संघ जो है ये राष्ट्र प्रेमी एक संगठन है, यहाँ पे जो कार्यक्रम होता है सारा राष्ट्रभक्ति का होता है, इसमें हर आदमी ने जाना चाहिए। ये मेरे ख्याल से उनके लिए भी एक बड़ा सौभाग्य की बात है कि वो संघ के सभी समसोकों को वहाँ पे जाके संबंधन करेंगे, और संघ के लिए भी बड़ी अच्छी एक नेक बात है कि भाई एक व्यक्ति जिसका और दूसरा दृष्टिकोण रहा है, और ये संघ का इंक्लूसिवनेस बताता है कि संघ कितने तरह से खुला हुआ है कि वो दूसरे व्यक्ति से भी सुनने की इच्छा रखता है। प्रणय मुखर्जी के साथ वहाँ दूसरे भी लोग हैं, एक्स सीबीआई चीफ जोगिंदर सिंह साहब आ रहे हैं, आरएस गवई आ रहे हैं जो आरपीआई के सीनियर लीडर है, एयर मार्शल एक्स एयर मार्शल चीफ अनिल टिपनिस आ रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए। और पॉलिटिक्स, जहाँ तक रहा पॉलिटिक्स का मुद्दा, पॉलिटिक्स में देखिए वे हम लोग किसी को बुलाना किसी को नहीं बुलाना, रिमोट कंट्रोल तो ऑपरेट नहीं करेगा। जब तक वो राष्ट्रपति रहे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहे, बहुत एरोडाइट बड़े पढ़े लिखे वो व्यक्ति हैं वो। मुझे लगता है कि ये मूव जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया, अगर इन्विटेशन मेरे हिसाब से बड़ा पॉजिटिव मूव है, क्योंकि आपको कई बार अपने प्रतिद्वंदी के घर भी जाके बात करनी होती है, आप अपने विचार सुनाने का आपको मौका वहाँ पे मिला है। मुझे लगता है बहुत परिपक्व और बड़े मैच्योर्ड स्तर के आदमी हैं डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। सामाजिक सरोकार की बात है कि आप हर तरह के, हमारे यहाँ कहा गया क्या यदि संघ को जानना है तो शाखा पर आइए, सभी के लिए आमंत्रण है, कोई भी आए संघ को जानना चाहता है वो आए और जाने कि संघ क्या कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कोई वो दिवालियापन दिखता है कांग्रेस का। ताज़ा खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट समय लाइव पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस दिखाएं, लेटेस्ट खबरें दिखाएं, और अगर आपको ये पसंद कुछ आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।